अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों ना, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? फ़िलहाल कामिल, फ़िलहाल कामिल। वो टेंस जिसके उर्दू के फ़िक्रों में आखिर में, उर्दू में इस टेंस की पहचान क्या है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो और चुके हैं वगैरह आते हैं। अब अंग्रेजी में इस टेंस की पहचान क्या है? अंग्रेजी में इस टेंस की पहचान ये कि ही, शी, इट के साथ वर्क की, तीसरी फॉर्म लगेगी। जैसे जैसे कि गो एंड गन, वॉक वॉक वॉक्ड, नो न्यू नॉन और आई वी यू के साथ हैव का इजाफा होगा। ठीक है, और ही शीट के साथ और कितनी सी फॉर्म लगेगी? और साथ हैज लिखे और साथ हैज का इजाफा हो जाएगा, हैज लगेगा। ही शीट के साथ हैज लगेगा, आई वी यू और दे के साथ हैव लगेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। तो ये तो इसकी मुख्तसर पहचान है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म कहाँ पे लगेगी और ही शीट के साथ हैज का इजाफा कहाँ होगा और हैव का इजाफा कहाँ लगेगा। तो ये है जनाब, मिसाल के तौर पे आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो ये आ गई कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ गई। और जैसे कि मैंने बताया कि आई वी यू के साथ हैव का इजाफा हो गया और ये चुका है, चुकी है, ये भी आ गई। अब शी हैज ईटन द मील, वो खाना खा चुकी है। ठीक हो गया। फिर एक और सेंटेंस जो आपके लिए, जैसे इसमें भी शी के साथ हैज आ गया और वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन आ गई, बाकी चुका है, चुकी है आ गई। अब एक दो सेंटेंस और आपके सामने ताकि आपको और समझ आ जाए। दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा
चुके हैं। वो स्कूल जा चुके हैं। ही शी इट के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ है और वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई। मुझे उम्मीद है आज की इस मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन से आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। कल हम इंशाल्लाह इसी टेंस की नेगेटिव और अगली लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर रोशनी डालेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।